सो भाई अशरफ भाई जा रहे हैं घर, और ये है हमारी छोटी सी गुड़िया, और ये मैं इससे फर्स्ट टाइम मिल रहा हूँ, बट मिला तो उससे पहली बात हो, अभी सो रही है। ये देखो पूरा ही सांप बना हुआ है, ये पहाड़ों में से जाऊंगा मैं, आप ये पहाड़ों का रास्ता है। चंद्रयान इसने भेजा लग रहा है भैया, चंद्रयान यहीं से गएगा। अरे हाय हाय, गाइस कैसे हैं आप सब, और आज है दिन 32वां, 32 डेज हो गए मुझे घर से बाहर, और अभी यहाँ से चेकआउट करने का टाइम है। टाइम हो गया है आई थिंक 10:30, 11 AM यहाँ पे चेकआउट था, और पूल कुछ ऐसा है, मैं इसको पूल को यूज़ नहीं कर पाया, बारिश थी, और आज निकलने के टाइम पे देखिए मौसम में बिल्कुल गंदे वाली बढ़िया वाली धूप निकली हुई है। बढ़िया है भाई, हमारे साथ ऐसा ही रहता है, बट कोई नहीं, अभी सनी के पास चल रहे हैं, लगेज सब रेडी है, गाड़ी में चलते हैं और करके आते हैं सब रेडी। और एक बात गाइस, हैप्पी शिवरात्रि, आज शिवरात्रि है, शिव शंभो, जय जय हर हर महादेव, जय शिव शंभो। तो शिवरात्रि है, प्रभु का नाम लो, सब अच्छे काम करो और सब बढ़िया रहेगा। तो चलो मिले हैं बेलगांव से, और इन्होंने बहुत अच्छी बातें बताई कि आपको रोड से एक्सपीरियंस करने तो आप भी यहां से जा सकते हैं, तो अभी बात की भैया से, तो अभी देखते हैं कितना हो सकता है कि हम कहां जा सकते हैं। तो चलो कोई नहीं, यहां तक का सफ़र आज गोवा ख़त्म हुआ, तो थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू, आप तो जरूर मिलेंगे, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये वो इंसान है, इंसान नहीं, ये वो है जानवर, कुत्ता, बच्चा, जो भी आप कहते हैं, इसको कोई टेंशन नहीं, आराम से सो रहा है। तो गाइस अपना हो गया चलने का टाइम, और यहां से निकलेंगे सीधा खबोली, और हमें जाना सनी के पास, सनी वेट कर रहा, लास्ट नाइट उसका मैसेज भी आ गया था, और गाड़ी बिल्कुल तैयार खड़ी है भाई, लौंडा अपना कालू चमक के नहीं रहा तो क्या हुआ, पर तैयार फुल फॉर्म में खड़ा है। होटल अच्छा था, हॉस्पिटलिटी अच्छी थी, नो प्रॉब्लम, फूड अच्छा था बाहर भी, और मैंने जो बताया था कि आप यहाँ के लोकल रेस्टोरेंट में जाना, हाई फाई मत जाना, क्योंकि लोकल्स का ही खाना बहुत अच्छा है। तो ये है अपना सिल्वर सैंड हॉलीडे विलेज, अमेजिंग। तो कालू कैसा लग रहा है? बढ़िया। तो स्टोरी डाल दें तो पा दें दे। बहुत अच्छी चाय मिली, सैंडविच लिया, थैंक यू सो मच, दोबारा मिलेंगे, थैंक यू। ये सब भी जा रहे हैं कहीं घूमने, तो इसके जूते वूते हो रहे हैं, तो ठीक है दिल्ली मिलते हैं जल्दी। ओ पागल, ठीक है साहब, जल्दी मिल लेंगे, चलो ठीक है, ख्याल रखना, आराम से जाना सेफली, ओके। निकले हैं और पूरा उन्होंने पूछा कैसे क्या है, सो थैंक यू सो मच, अच्छा लगता है ऐसे लोग मिलते हैं सर, थैंक यू, होप सो जर्नी माय जर्नी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। सो गाइस टाइम हो गया है 11:48, और अभी हम निकल रहे हैं सनी के लिए, क्योंकि सब दीपक वगैरह भी आए हुए थे यहाँ पे, सब मिले थे तो वो भी चले गए, यहाँ भी मिलने आए थे दोबारा, और अपना डेस्टिनेशन है 10:03, और होप सो धूप है काफ़ी, बारिश वारिश नहीं है कोई इशू, बट मौसम बदलते टाइम नहीं लगता। तो चलो आगे बढ़ते हैं और प्रभु का नाम लेते हैं, कुछ हैप्पी शिवरात्रि, कुछ कबीर जी की वाणी सुनते चलेंगे, तब तक आप रास्ते का मजा लो गुरु। तो भाई आगे मौसम देख रहे हैं, बहुत खतरनाक होने वाला भाई, मतलब बारिश का ना ढमढमाढम हो जाएगा। चलो बारिश मिल रही है, एक्चुअली गोवा से निकले ना, गोवा में इतनी धूप थी और वहां पे वेदर चेंज होते हुए टाइम नहीं लगता, बट ये देखो यार बहुत काले बादल है ना, तो बताओ फिर से कि बारिश होगी कि नहीं, बता दे कहीं नहीं बारिश होगी नहीं होगी, और ड्रोन शॉट के बारे में कोई भी नहीं बता रहा, याद रखना, मैं याद रखूंगा इस बात को, सही है यार, समझ सकता हूँ मैं आप लोगों के पास टाइम नहीं होगा, बिजी होंगे, बट जिसे मेरी मेहनत अच्छी लग रही हो तो लाइक भी कर दिया करो यार, सपोर्ट कर दो यार, शेयर कर दो। चलो अभी आगे का माहौल और अच्छा बनाएंगे, अभी चंद्रयान इसी ने भेजा लग रहा है भैया, चंद्रयान यहीं से गएगा। अरे हाय ना, घनघोर घटा है, घनघोर बारिश हो गई है, तो हम कभी गलत बोले क्या, पर सच में यार। चलो कालू तुझे थोड़ा रिलीफ मिलेगा मेरे बच्चे, अभी टाइम तो बहुत पड़ेगा, क्योंकि अभी हम चले ही हैं कितना, 1 घंटा आए हैं बस,
अब 11:40, हाँ एक घंटा हुआ चलते हुए और चल ही रहे हैं कंटिन्यू, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ नहीं आ रहा ये रास्ता कहाँ से लेके जा रहा है, ये बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि बिल्कुल कहाँ से लेके जा रहा है। एक रोड है सिंपल सा, बट पता नहीं, सेफ रहना चाहिए, बस फॉरेस्ट है, सेफ रहना चाहिए और कुछ दिक्कत नहीं है। बट दिन का टाइम है तो प्रॉब्लम कोई होगी नहीं, बट यहाँ ना बंदा ना बंदे की जात भाई। पीछे तो था एक बाइक वाला, एक गाड़ी खड़ी हुई थी, बट यहाँ ना कोई दूर दूर तक बंदा है, ना कोई भी नहीं दिख रहा यार। यार इतनी प्यारी लोकेशन मिली है, मतलब एक छोटा सा पुल है और गाड़ी खड़ी कर दी है और पूरा ग्रीन है। आपने लास्ट अभी देखा होगा पीछे से, अपने टाइम लैप्स में देखा होगा थोड़ा सा, इतना अच्छा लग रहा है यहाँ, बहुत अच्छा। देखो यार ये है छोटा सा ब्रिज का रिवर और ये लोकेशन देखो, इधर से पानी आ रहा है और वो कालू खड़ा हुआ है। वाओ, ड्रोन शॉट रेडी है, गाड़ी कुछ ऐसी लोकेशन पे है, कैसे कह रहा है, मजा आएगा, तो चले मार दे दो यार। तो गाइस अभी कुछ ड्रोन शॉट लिए और बढ़िया लिए, मजा आ गया, पर अभी गाड़ी निकालनी बाहर, तो चलो गाड़ी को भी निकालते हैं, लेट्स गो। ये देखो पूरा ही सांप बना हुआ है, ये पहाड़ों में से जाऊंगा मैं, अब ये पहाड़ों का रास्ता है। तो रत्नागिरी में एंट्री होती ना भाई, मैंने ये लोकेशन पूरे ट्रिप पे पहली बार देखी ऐसी, देखेंगे हम ना वहां से आ रहे, वहां से वहां कहीं से। ये देखो लोकेशन देखो यार, अमेजिंग ना, बहुत खूबसूरत। चलो थोड़ा सा फोटो वोटो खींचते हैं कालू का भी, मज़ा आएगा भाई। लोकेशन आपने देखी बहुत प्यारी है और देखो एक बीस्ट दूसरा बीस्ट दोनों महिंद्रा यहीं है और बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत, बहुत। और यहाँ छोटे छोटे वाटरफॉल्स बने हुए हैं जो नीचे पानी का फ्लो जा रहा है, बट जाएंगे नहीं क्योंकि बहुत स्लिपरी है और ये बिल्कुल नई घास है ना ऐसे, अमेजिंग यार। और उधर लेक है ना जो, उसका तो अलग लेवल का है, और मैं दूसरी लेक में आपको दिखाता हूँ उस साइड से, बहुत खूबसूरत लग रही है। मतलब एक अलग ही मज़ा है जब मंजिलों पे चलते हैं ना, तो मंजिलों से ज़्यादा खूबसूरत कुछ नहीं होता। और एक फ़ोटो तो यहाँ बनता है यार, एक फ़ोटो अमेजिंग यहाँ बनता है। तो ये देख, ये अमेजिंग नहीं वहाँ से आ रहा, तो चलो अभी आगे मूव करते हैं और एक फोटो यहाँ का क्लिक जरूर करते हैं। ओके एंड लेक अमेजिंग। यहाँ से जाने से पहले ये पहाड़ ख़त्म हो जाए तो एक लास्ट मोमेंट है जो हम आपको, मतलब मैं दिखा रहा हूँ, मैं एक्चुअली ड्रोन नहीं उड़ा सकता क्योंकि हवा तेज है और मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। भाई पूरा खतरों का खिलाड़ी हो रखा है, ये देखो भाई मत ले इतना रिस्क, भाई मत ले, बहुत डीप है ना, स्लिपरी भी है तो। बट पूरी वैली एक बहुत खूबसूरत वैली दिखाई दे रही है अभी, हम देखो वहाँ से चलते हुए आगे और कितना कवर करके आगे, और अभी शायद कितना और आगे होगी भाई माउंटेन्स एरिया, हाँ डन हो जाएगा अभी। ओके आगे से पूरा जंगली,
फिर फॉरेस्ट से बीच में कोई रेस्टोरेंट वगैरह कुछ नहीं है? रेस्टोरेंट नहीं है, उसके बाद एक ओके ओके अगर सेवन वाटरफॉल्स है उधर अंदर ओके ट्रैक करके जाना पड़ता है अंबोला फोर्ट वाटरफॉल्स अंबोली वो अलग है आजरा साइड में रहता okay. है ये अनुस्कुरा साइड में बरकी बरकी वाटरफॉल व्हिच इज द मोस्ट फेमस इन कोल्हापुर से ओके सो भाई भैया ने एक अच्छी बात बताई कि वाटरफॉल और वो रास्ते में ही है रास्ते में मतलब रास्ते में आपको बोर्ड दिखेगा पर उधर अंदर 16 किलोमीटर अंदर जाना पड़ता है ओह शिट और पूरा ट्रैक करके बट भाई सनी वेट कर रहा है वाटरफॉल्स हम काफी देख चुके हैं जर्नी में बट फिर दोबारा आएंगे कोल्हापुर के लिए पर थैंक यू सो मच भैया एक नई चीज बताने के लिए और ये वैली है भाई हाँ ये देखो मेरा भाई ये पता नहीं क्या करके माने अच्छा डर लग रहा है तो आएगा कैसे अब बचपन में पता है कैसे चलते थे अच्छा है तो चलो आगे बढ़ते हैं सो थैंक यू सो मच भैया थैंक यू गाइस दोबारा मत जाने देना इसे वो लग गया ना काटा लग गया ना चलो टेक केयर बाय बाय बस ये देखो ये कहां से निकल रहे हैं हम भाई ये कुछ गाइस मैं अभी रुक गया हूँ पावन गिंडा और बारिश चल रही है और मुझे ना इतने मतलब ऐसे लोग मिलते नहीं हैं और बहुत अच्छा लगता है मेरे को सर मिले भैया ऑल मतलब जॉबलेस नहीं है जॉब करते हैं बहुत अच्छे लेवल पे और ये मतलब शिवाजी जी ने ना 300 साल पहले एक दुश्मन को 300 कितने किलोमीटर आके 50 किलोमीटर का कुछ करके वो दुश्मन को मारा तो सर भी लास्ट कितना रन कर चुके हैं आप अभी हम तीन साल से रन कर रहे हैं और पैदल कर रहे हैं यार ये चीज है और उनको फॉलो कर रहे हैं सारे लोग जितने हैं यहाँ पे आ रहे हैं और अभी भी आते जा रहे हैं काफी बच्चे अभी आपने देखा होगा पहले शॉट में वो गए हैं और बहुत अच्छा लगता है ऐसे लोगों से मिलकर सो थैंक यू सो मच मतलब मुझे अच्छा लगता है कि मैं नहीं हूँ मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा आप लोग कर रहे हैं और सर साइकिलिंग भी करते हैं 300 किलोमीटर साइकिलिंग की हुई है मैं सर को बोल रहा था कि आप तो रिकॉर्ड करो यार आप तो फेमस हो जाएंगे बट ठीक है यार अपना अपना पैशन होता है मेमोरीज के लिए करते हैं मेरा भी कुछ ऐसा ही है तो चलो अभी चाय पी मैंने डबल कप बनवा के उसके साथ बिस्किट खाया कि कुछ नहीं है और आगे जाए कुछ खाना खाएंगे और खबर भी पहुँचने में अभी बहुत कुछ टाइम है और भैया भी आ रहे हैं अभी थैंक यू तो थैंक यू सो मच सर बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके थैंक यू सर तो चाय खत्म अच्छा गाइस घूम फिर के हमें मिल गया है रेस्टोरेंट अपना एक रेस्टोरेंट है हुबर वन और गाड़ी खड़ी होगी वहाँ पे बिल्कुल और मिसेल पाव खाने का मन है बट कुछ और भी होता तो वो भी देख लेंगे अपना कुल मिला के पूरा दिन ड्राइव के बाद मिल गया मिसेल पाव और भाई अपने थम्स अप ये बहुत तीखा है यार बहुत ज़्यादा तो चलो पर खाना पड़ेगा भूख लगी है बहुत ज़्यादा तो खा के निकलेंगे क्योंकि जर्नी अभी बाकी है बहुत लंबी है रात को 11:30 बजे तक पहुँचने का है ज़्यादा चल लेंगे मिसेल पाव बैटरी पे कुछ देखना है क्या हो रहा है ये क्या है ये कुछ निकल रहा है देखो यार भूख ज़्यादा लगी थी और चार मिसल पाव खा गया थम्स अप पी ली पेट बहुत भर गया यार समझ नहीं आ रहा क्या करूँ तेज गाड़ी चलाऊँ या थोड़ा वॉक करूँ या बैठ जाओ थोड़ी देर चलो कोई नहीं ड्राइव ही करते हैं क्योंकि टाइम हो गया 6:30 बज गए हैं यार हाँ शायद इस ट्रक ने ना उस गाड़ी में मार दिया है और सब उतर गए हैं झगड़ा होने वाला है अब ट्रक वाला क्लेम देगा पैसे लेंगे क्या करेंगे झगड़ा मत करो भाई झगड़ा मत करो गाड़ी की लगा दी लंका क्योंकि ट्रक था बड़ा बड़ा हंका पता नहीं क्या बोल दिया कितना प्यारा अपना चीता ना बड़ा प्यारा भाई मिला छोटू सा अभी जा रहा है डैडी के साथ चॉकलेट खाने और पीछे भी छुप रहा है कहाँ गया वो रहा सो चलो टेक केयर थैंक यू सो मच सर थैंक यू टेक केयर बाय बाय गाइस बाय बाय सो गाइस चाय की बड़ी नीड थी और चाय पीने के लिए रुक गए हैं अपना यहाँ पे
अमृतुल्ला, ये आज से एक साल पहले भी हमने पिया था इस पर, मतलब इसकी फ्रेंचाइजी काफ़ी है। और कालू खड़ा होगा वहाँ पे सामने अपना, बिल्कुल हल्की हल्की बौछार शुरू हो गई है, बहुत कम बट ठीक है। और ये देखो चाय वाला, चाय 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 पी गया। दो मिनट में पहुंच गए हैं और यार अभी भी ना वो हाईवे ऐसा हो गया एकदम, मैं थोड़ा सा मतलब आगे चलेगा कट भूल गया, बिल्कुल हल्का सा कट था, कंस्ट्रक्शन चल रहा है यहाँ पे ज्यादा, तो भाई मेरा हो गया दिमाग खराब। 37 मिनट मैंने जब बैक मारा और भाई वापस टैंकी वैंकी रखी थी वहां से कच्चे से उतार के ले आया, सीधा 6 मिनट आ गया, 6 मिनट और 37 मिनट में कितना डिफरेंस होता है ना। और अब पहुंच गए और सामने अपना भाई रिजोर्ट है भाई, अपना सनी भाई अशोक भाई यही होंगे शायद, मैंने उनको फ़ोन कर दिया था मैं पहुंचने वाला हूं, कह रहे हम हैं आज सनी यहीं रुकेगा ना, तो ब्रो 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 रहेंगे आज, पता नहीं कहाँ है। देखो उसने वेलकम भी घास वहाँ से लिखा हुआ है, बट ये आया बंदा देखे से हाथ हिला रहा है, अरे भाई दोनों ना देख, तीनों तीनों देख रहे हैं, मेरे चीते मेरे पपीते। इसको कभी वीडियो बनानी नहीं आ सकती जिंदगी में भी। और भाई यहाँ पे है आसरा भाई पोते भाई आसरा भाई को बोल बस, थैंक यू। देख ले भाई अपना भाई आ गया ना, बोल दिया ना तो पहुंच गए एक साल के बाद। और देख इसको जिंदगी में ना कभी वीडियो बनानी नहीं आ सकती, मैं लिख के दे सकता ना, ये साला चेक की चीज नहीं है, ये वो कहते हैं साइन साइड से कर रखे कुछ कर रखे। तो हेलो सनी भाई कैसे हैं आप? ऑल गुड। तो पहुंच गए हम आपके प्रॉपर्टी। तो ये दोनों पार्टनर और एक अच्छे दोस्त थे मेरे भाई, मतलब इन दोनों के लिए आना वेलकम बैक ब्रो वर्थ है, तो वही वर्थ है। तो गाड़ी खड़ी करते हैं और थोड़ा करते हैं उसके बाद करते हैं, मेरे को पहले खाना खाना है, तो पहले खाना खाना। तो भाई अपने पहुंच गए रिजोर्ट और अपना कालू हो गया खड़ा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। और भाई की प्रॉपर्टी है ना, देखो भाई ये कहते हैं अमीरी, मतलब अच्छा काम किया HM करके इतना कुछ कर रहा है, बट ठीक है यार भाई ये अच्छा लगता है। और चलो अंदर, ये तेरे वाली है ना? भाई रेड थीम लगा के लगी है वो अशरफ भाई वाली। अशरफ भाई की, हाँ अशरफ भाई ने वो ले ली, मतलब उस पे नाक रख दी थी कि लेनी है लेनी है, उस टाइम अपने बात चल रहा था गोवा में, लास्ट अशरफ भाई बुक करने गए थे सफारी, ठीक है। और ये इनकी थी एक पुरानी पसंद, पुरानी रड़क होती है भाई, ये निकालनी है। और ये दो तीन आए थे ऑप्शन है ना, एक्स्ट्रा के दो तीन ऑप्शन आए थे, तब इनको ये एक फ्रेंड की है और भाई इसका ना एक दिन में बैंकिंग बैंकिंग भाग रहे हैं ये वो। मेरा ट्रिप था यहाँ पे, हमारा मतलब इधर ही था, मैं नेक्स्ट डे निकला था। और भाई अपना ना बुलेट भी यही खड़ी है, एक ये रही है, एक बाइक यहाँ खड़ी, मतलब इन दोनों की यारी ऐसी है कि इनको सेम चाहिए, सेम SUV चाहिए, सेम बाइक चाहिए। और भाई तो चलो भाई बहुत बढ़िया। तो संदीप भाई मारा एक भाई दूध दिया भी है भाई, उसका काम ऐसा भाई बिजी है पर दूध दिया है, तो दूध दिया है कुछ वो नहीं है, दूध दिया है बस। तो नेचर भी उसके साथ ही है, तो आए थे कुछ टाइम पहले, बट चल रहा भाई बढ़िया, कैरी ऑन ब्रो, टेक केयर। तो यहाँ पे पूरा रेस्टो है और हाँ कहीं बैठते हैं, हम वहाँ भी ब्रेकफास्ट कर चुके हैं और वहाँ भी बैठ चुके हैं, कहीं भी बैठ सकते, पीछे पूल है, बहुत अच्छा परफेक्ट तरीके से। और ये देखिए अभी पीछे थोड़ा रिफ्लेक्शन आ रहा है बाइक का और आज काफ़ी रश है। सो भाई अशरफ भाई जा रहे हैं घर और ये है हमारी छोटी सी गुड़िया और ये मैं इससे फर्स्ट टाइम मिल रहा हूँ, बट मिला तो उससे पहली बात हो, अभी सो रही है ना, चे हाय। और भाभी इधर खड़ी हैं, भाभी ने फोटो लिए, गाड़ी अच्छी लग रही ना भाभी, पक्का ना? ये वीडियो शेयर नहीं करता और ना ये इसका तो आज मैंने ना रास्ता कर रखा पक्का, ये सुबह रात तक रोएगा पूरी रात, इसका मैं बढ़िया काम कर दूंगा, टेंशन ना ले तू, सुबह आएगा ना इसकी आंखें देखियो तो ठीक है। तो थैंक यू सो मच भाभी, गुड नाइट। ठीक है भाई, गुड नाइट, हाँ मिलते हैं मॉर्निंग। चलो 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 कुली समा। देखिए एक अच्छी बात पता है क्या है, ये भाई मेरा ना इस रूम से पुराना वास्ता है, एक साथ मेरा ये रूम स्पेशल है भाई, सच बता ये मेरा ना एक मिनी स्वीट है और ये भाई अमेजिंग, मेरा काउच भी है, मेरा बेड भी है और मेरा कॉलर भी है। और यहाँ पे जो नज़ारे दिखने वाले ना वो भाई अलग हैं, मैं लास्ट टाइम भी यहीं रुका था, अभी अंधेरा हो गया है बट सुबह जो नज़ारे दिखेंगे ना वो अलग ही है। देख कालू वो खड़ा हुआ और सुबह दिखाएंगे, अभी अपना है लेटने का काम, थोड़ा सा एक दो रील और अपडेट करते हैं फोटो क्योंकि इंस्टा पे कल भी डाला था। तो चल भाई इसको सोने की पड़ी है,
ये घर नहीं जाएगा, ये इधर ही है। चलो भाई मौज करो। एपिसोड है ऋषि रिजोर्ट पहुंचने का था अपना भाई, अपने सनी भाई अशोक भाई का अपना रिजोर्ट है और कालू खड़ा हो गया यहाँ। और बिल्कुल ये अपना रिजोर्ट है भाई, प्रॉपर्टी आप देख सकते हैं। और इसकी पूरी स्टोरी मैं अगले एपिसोड में दिखाऊंगा भाई, क्योंकि हम कल सुबह ना बारिश नहीं तो पूल में खूब मस्ती करने वाले, पूल यूज करेंगे, पार्टी करेंगे, भाई मिलता तो पार्टी होती है भाई। तो चलो गाइस मजा हुआ और आज के एपिसोड को करते हैं खत्म। तो टेक केयर, ख्याल रखना, खुश रहना, माँ बाप ख्याल रखना और भाई मजे करो जो करने लाइफ में। तो गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। ट्राई कल देखेंगे, कल देखेंगे। ओके गुड नाइट भाई। I've got the techno on my mind, spending in the club all night. I gotta move my body, body, move my body, body.